नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल है, जैसे माइका की शीट एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके एटम स्ट्रेच हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन किया था। कि मैं अगर ये कहूँ कि आपके पास एक एटम है, आपने उस डाइलेक्ट्रिक के एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस करते ही वो खिंच गया, क्योंकि एटम के अंदर प्लस भी है और माइनस भी है, तो वो स्ट्रेच हो गया। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई किया, वो और स्ट्रेच हो गया। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दीवारों पे और अप्लाई किया, वो और स्ट्रेच हो गया। आपने और अप्लाई किया, यार वो टूट गया, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर ही आ गए। जब वो बाहर ही आ गए मतलब एटम का ब्रेकडाउन हो गया, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होना। और वो लास्ट वैल्यू जो वो टॉलरेट कर पा रहा था, मान लो 10^5 वोल्ट पर मीटर थी, कि अगर मान लो मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड 10^5 अप्लाई करते हो या इससे ज़्यादा अप्लाई करते हो वो टूट जाएगा, मैंने वार्निंग इशू की थी, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है डाइलेक्ट्रिक की, स्ट्रेंथ किसकी, डाइलेक्ट्रिक की ब्रेकडाउन की, स्ट्रेंथ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो लास्ट वैल्यू जो वो टॉलरेट कर पा रहा था उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ है। तो ये टर्म्स यूज़ करते हैं, इसको ऐसा नहीं है आप इसको याद करने बैठ के डेफिनेशन को कोई फ़ायदा नहीं है, बस इसमें यही बता रखा है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब कि एक एटम का टूट जाना जब बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है, और वो लास्ट वैल्यू जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो टॉलरेट कर पाएगा उसके बाद वो टूट ही जाएगा, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ। बस ये टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं।